एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान आईक्यू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ज्ञान आईक्यू पर। सो बेसिकली एक वीडियो मैंने अपलोड की थी जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि एडमिट कार्ड आपके आउट हो चुके हैं और आपको डाउनलोड कर लेने हैं, ठीक है। तो इस वीडियो पर बहुत सारे कमेंट्स आए हैं, आई थिंक 100+ 120+ कमेंट्स है और कुछ लोगों की क्वेरीज भी हैं। और मुझे लगता है कुछ बच्चों ने, मुझे बहुत अच्छी चीज इस वीडियो में ये लगी कि बच्चों ने आपस में ही शेयर कर लिया कि मेरा ये एग्जाम है और दूसरों से पूछ रहे हैं सेंटर। दैट इज वेरी गुड, है ना। यूनिटी से दिखाई दी कि हाँ भी सब लोग एग्जाम के लिए प्रिपेयर हैं। कुछ फनी कमेंट्स भी थे। तो जो भी है, अब देखो हर कमेंट को रिप्लाई करना, इतने सारे कमेंट को रिप्लाई करना इज नॉट पॉसिबल। सो एक छोटी सी वीडियो है जिसमें आपके कमेंट्स होंगे और मेरा रिप्लाई मैं अभी आपको कर दूंगी, ठीक है। कमेंट्स पढ़ूंगी सभी के, स्क्रीन पर आपको दिख ही रहे होंगे कुछ कमेंट्स जो है। सो मैं धीरे धीरे सबके पढ़ूंगी, जो बिल्कुल इंपॉर्टेंट होंगे कि हाँ भी इनका रिप्लाई बनता है उनको मैं रिप्लाई करूंगी, ओके। और जिन्होंने, मुझे बहुत अच्छी चीज ये लगी कि मैंने कहा था कि प्लीज अपनी एग्जाम डेट आप मेंशन कर देना, तो सभी बच्चों ने, मतलब बहुत सारे बच्चों ने मेंशन की है अपनी एग्जाम डेट। और आप लोगों को भी आपस में पता चल गया कि हाँ भाई कितने लोगों का 7 को है, कितने का 29 को है, है ना। बेसिकली 7 वाले घबराए नहीं, क्योंकि एक बच्चे ने कमेंट किया हुआ है कि वो बलि के बकरे बन गए। दैट वॉज वेरी फनी, बट जो भी है, है ना। देखो हाँ, क्योंकि फर्स्ट, मैं भी ये कहूंगी कि फर्स्ट आप जा रहे हैं तो थोड़ा सा नुकसान आपको जरूर होता है, लेकिन अगर आपकी तैयारी अच्छी है ना तो फिर नुकसान की बात नहीं कर सकते आप, क्योंकि आपको सिर्फ एक सीट चाहिए, ओके। चाहे 100 सीट हो, 200 सीट हो, आपको सिर्फ एक सीट के लिए फाइट करना है अपने लिए, वही आपको करना है, ओके। तो चलिए भाई, ब्लाइंड वाइज मैं कमेंट पढ़ूंगी सभी के और देखते हैं किस इसने क्या क्या कमेंट कर रखा है। सबसे पहले शुभम मिश्रा, मैम मेरा 29 मार्च को है। तो भाई शुभम, आपका काफी लेट है, आराम से इंतजार करो, है ना, पढ़ो, अभी 1 महीना हो रहा है आपके पास। उसके बाद है सचिन ठाकुर का, थैंक यू सो मच मैम, ओके वेलकम। विदुर कुमार का है, 29 को है इनका एग्जाम भी। उसके बाद है 42/21 एग्जाम ऑन 28 मार्च, ठीक है। अच्छा एक चीज और है, कुछ बच्चों का ये कमेंट था कि भाई उनका 47, एक तो आपकी है 42/21, तो इसके एडमिट कार्ड आप सभी के आगे, एक थी आपकी 47/21 जो था एमसीडी का एग्जाम होना है, ओके। देखो आप भी बता दूं कि एमसीडी का एग्जाम जो है फिलहाल अलग होगा, क्योंकि ये पहले फॉर्म निकल चुके थे। अब हालांकि कंबाइन एग्जाम का सर्कुलर आ चुका है, तो अब जो वैकेंसी निकलेंगी उसमें तो कंबाइन एग्जाम होंगे सेम पोस्ट के लिए, लेकिन अभी डीओई का अलग होगा और एमसीडी का अलग होगा। तो 47/20 की जो एग्जाम डेट दी थी डीओई ने, वो 23 दी थी पीएसएसबी ने, ठीक है। 23 मार्च से शुरू है, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपके 20 के आसपास आपके एडमिट कार्ड यहाँ पर आ जाएंगे, 18 या 19 के आसपास या 20 के आसपास आपको पता चल जाएगा कि 47/21 का आपका एग्जाम कब होना है, ठीक है। अभी फिलहाल डीओई के चलेंगे 42/21 के, जिनके एग्जाम डेट्स आपको अनाउंस हो ही चुकी है, ओके। चलिए भाई नेक्स्ट देखते हैं कौन क्या बोल रहा है। और एक्चुअली यार थोड़ा सा वीडियो बनाने का वैसा टाइम नहीं मिला, पीपीटी नहीं तैयार हुई आपकी, तो सोचा कमेंट्स का रिप्लाई कर दूं। 29 को है, ज्योति सिवाच कह रही है 42/20 मार्च, तो इनके पास भी टाइम है। फिर है जमीला खान कह रही है, मैम प्लीज स्टार्ट केवीएस पीआरटी क्लासेस, प्लीज आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, आप बहुत ऑनेस्ट लगते हो, प्लीज स्टार्ट कर दो। जमीला, अभी क्योंकि डीएसएसबी है तो मेरा थोड़ा फोकस डीएसएसबी की तरफ है, आपको पता है इस प्लेटफॉर्म पर सिर्फ मैं अकेले मैनेज कर रही हूँ तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन डोंट वरी, अभी डीएसएसबी का एग्जाम निपट जाएगा मार्च तक, उसके बाद जो है केवीएस की क्लासेस फिर से रिज्यूम हो जाएंगी और आपका होपफुली नोटिफिकेशन तब तक आएगा, तब से हम केवीएस की स्टडी स्टार्ट कर देंगे, है ना। तो डोंट लूज होप, मैं वहां भी रहूंगी साथ। फिर है रियाज उदीन का कि 7th/1st shift, तो रियाज आप तैयार हो जाओ, आपके पास बिल्कुल कुछ ही दिन है। नोएडा सेंटर है फ्रॉम जमशेदपुर झारखंड, तो सेंटर से मतलब जिस दिन एग्जाम है उससे एक दिन पहले पहुंच जाना भाई, अगर आपको एग्जाम देना है तो, ओके। ऑकवर्ड पोटैटो, आई मीन फनी फनी नाम भी होते हैं ना यूट्यूब पे, तो ये मुझे बड़ा फनी लगता है। 30th मार्च को है, काफी टाइम है। विद्यासागर का 27 मार्च है, काफी एक्टिव रहते हैं विद्यासागर मेरे चैनल पर, है ना। विद्यासागर ऑल द बेस्ट, और सभी को ऑल द बेस्ट, है ना। कुछ बच्चों के नाम मुझे याद हो गए हैं। शशि नमस्ते मैम, माई एग्जामिनेशन हैज बीन शेड्यूल ऑन 27, तो इनका भी 27/3 को है शशि का भी, वेरी गुड शशि, अभी टाइम है काफी आपके पास, थोड़ा एनालिसिस का भी मौका मिल जाएगा। उसके बाद है 29 मार्च को है मैडम मेरा एग्जाम, ये रामदास आर्य कह रहे हैं, इनका भी काफी लेट है। मेरा तो एडमिट कार्ड पे इनकरेक्ट एडनल्स आ रहा है। नीलम, अगर ये समस्या आपके साथ है तो मे बी आप पासवर्ड भूल गए हैं, या फिर आपका जो भी यूजर आईडी है, जो भी आप एप्लीकेशन नंबर है वो गलत डाल रहे हैं, तो आप एक बार पासवर्ड को फॉरगेट करके दोबारा एक बार सेट कर लीजिए, मे बी आपका ठीक हो जाए। हालांकि इसमें जो है तो आपका सिर्फ डेट ऑफ बर्थ और वही पूछा था उन्होंने, है ना, लेकिन फिर भी क्रेडिनल्स जो है वो आपके उसमें थोड़ी बहुत गड़बड़ हो सकती है, और फिर भी अगर आपका ठीक नहीं हो रहा है तो आप ये कर सकते हो कि थोड़ा सा रुक के ट्राई करो। आई होप कि नीलम आपका आज तक निकल गया हो एडमिट कार्ड, अगर ना भी निकला हो तो फिर मुझे कमेंट करना, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ और एप्लीकेशन नंबर जो है उससे निकल जाता है, कब उसकी भी जरूरत नहीं है इसमें पासवर्ड की। उसके बाद है मेरा तो एडमिट कार्ड पे, चलिए ये नीलम का ही है, मेरा एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा है, प्लीज समवन हेल्प। आलोक, अभी तक नहीं हुआ है क्या आपका, प्लीज रिप्लाई करना मुझे, मुझे लगता है अभी तक सभी के हो गए होंगे, क्योंकि अभी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, इशू कल का हुआ होगा क्योंकि सबके एकदम से आए थे तो उसमें उस टाइम इशू हुआ होगा, ओके। सो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आलोक का यही है। फिर उसके बाद सरिता का है, उनका भी 27 को है। प्रगति,
रजिस्ट्रेशन नंबर हो तो क्या हाई स्कूल रोल नंबर से पता चल जाएगा? किस बारे में प्रगति आप बात कर रहे हैं? एप्लीकेशन नंबर है आपके पास और 10th का रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ है सॉरी आपकी, ठीक है, इन दो से आपका पता चल जाएगा एडमिट कार्ड का। मैम मेरा 42x का एग्जाम 20 मार्च को है। ज्योति वेरी गुड, तो अभी आपके पास भी ज्योति टाइम है काफी। अभी सिर्फ पोस्ट कोड 42x के एडमिट कार्ड आए हैं, मेरा 27 को है सेकंड शिफ्ट। तो देखो योग्यता ने भी लिखा हुआ है सिर्फ 42x20 यानी कि डीओई वाले एग्जाम के आए हैं जो दिल्ली गवर्नमेंट के स्कूल्स के लिए। एमसीटी वाले का आपका 23 से शुरू है तो उसका होपफुली 20 तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे लोगों ने कमेंट के रिप्लाई भी किए हुए हैं। इंद्रजीत का है 7th मार्च। इंद्रजीत बेस्ट ऑफ लक, आप भी काफी एक्टिव लर्नर है मेरे चैनल के। मेरा तो डाउनलोड ही नहीं हो रहा है। द लॉगिन आईडी एंड ओल्ड पासवर्ड कॉम्बिनेशन डज नॉट मैच। देखो मैंने लिंक दिया था वनीशा, मैंने टेलीग्राम चैनल पर एक लिंक दिया है, डायरेक्ट वहां से आपको एप्लीकेशन नंबर और आपको डेट ऑफ बर्थ डालना है, वहां से डायरेक्ट आपका हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि आप वहां से कर पाएंगे। उसके बाद आकांक्षा परसर का है कि 47x20 का एडमिट कार्ड कब आएगा? मैम भाई ये जो है आपका, क्योंकि 23rd से है एग्जाम, तो आप मानकर चलिए 20 या उससे पहले आ जाएगा। 18, 19, 20 तीन डेट्स में आ सकता है आराम से। 27th मार्च को इनका 42x21 है, ठीक है। ये सभी वांट योर ब्लेसिंग, जस्ट जी वांट योर ब्लेसिंग, माय ब्लेसिंग्स आर ऑलवेज विद यू ऑल, आप सभी के साथ है बिल्कुल। मैं तो चाहती हूँ कि इस प्लेटफॉर्म से बहुत सारे बच्चों का नंबर आए ताकि आप फिर मुझे बताएं कि यस मैम हमारा हो गया है ना, फिर देखते हैं मीटअप हो जाएगा बिल्कुल, है ना। ज्यादा के साथ तो नहीं कर पाऊंगी, लेकिन हाँ जो भी लोग पास होते हैं एग्जाम पूरा कर पाते हैं एक बार मीटअप हम करेंगे उसके बाद। ओके, कैसे चेक करें कि एग्जाम किस डेट है? तो भाई ये मैंने स्वाति एसपीटी सक्सेना मैंने आपको दिया हुआ है कमेंट सेक्शन में, एक सॉरी डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहां से देख सकते हैं। अभी तो थैंक यू मैम फॉर इन्फॉर्मेशन। बेरोजगार स्टूडेंट भाई आप बेरोजगार नहीं रहेंगे, मेहनत करो तो बिल्कुल आप उसके बाद एक सक्सेसफुल टीचर बन सकते हैं। ये ऐसे मत लिखा करो बेरोजगार स्टूडेंट, अच्छा नहीं लगता। प्रियंका कुमारी 7 को है, वाओ प्रियंका, चलो ठीक है भाई। जिनका 7 को एग्जाम है ना, थोड़ा सा मुझे मैं मेल डाल दूंगी टेलीग्राम पर, प्लीज मुझे थोड़ा रिव्यू दे देना कि कैसा एग्जाम आपका आया था, है ना। डीएस स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन थे, कैसे थे, कुछ याद हो तो प्लीज मुझे जरूर बता देना। 7 मार्च फर्स्ट शिफ्ट, ओके। जागृति बहुत उदास है क्योंकि उनका 7th को है, बट डोंट वरी जागृति, इट विल बी फाइन, है ना। एक सीट लेनी है हमें, ये सोचकर जाना। 27 मार्च 8:30 पर है इनका, अश्विनी का। ओके, चंदन कुमार का 30 मार्च को है। थैंक यू मैम फॉर योर हार्ड वर्क, वेलकम सपना एंड थैंक्स फॉर द अप्रिशिएशन। ओके, हार्ड 47x21 के नोट एबल टू डाउनलोड, ये सबकी क्वेरीज थी, तो 47x21 के अभी नहीं आए हैं, 42x21 के ही आए हैं, ठीक है। तो चलिए मेरा भी डाउनलोड नहीं हो रहा अभी तक, आई थिंक सबके डाउनलोड हो गए होंगे, नहीं हुआ तो फिर भी मुझे बता देना एक बार, आई विल ट्राई समथिंग। मैं एग्जाम इन 27 नोट एबल टू, 47x21 के अभी नहीं आए हैं। तो कितने रिप्लाईज करे हैं सभी ने आपस में ना, अपनी एक दूसरे की क्वेरी आप लोगों ने सोल्व कर दी है। लेटेस्ट अपडेट के लिए थैंक यू मैम, बिल्कुल अस्मा ये मेरा काम है आपको अपडेट देने का, वही मैंने किया है। मैम मेरा एक ही एप्लीकेशन नंबर है, फॉर्म जो भरा था मैंने, सो हाउ कैन आई गेट माय एप्लीकेशन नंबर? भाई फॉर्म जो भरा था वही एप्लीकेशन नंबर होता है देवांशी, उसी को चेक करो, वही एप्लीकेशन नंबर है और आपकी डेट ऑफ बर्थ लगेगी। आपने अपने जब भी आप कोई फॉर्म भरते हो ना, उसको अपने पास मेल कर दिया करो उस फॉर्म को, सबसे बेस्ट तरीका है, मेल में से फिर वो कहीं नहीं जाएगा। ओके प्लीज कंसिम, अभी 47x21 के नहीं आए हैं, ठीक है। और कोई इंपॉर्टेंट चीज मैम, आई कांट के नोट सी एनीथिंग। शिवानी क्या प्रॉब्लम है, क्या नहीं देख पा रहे हो आप? टेलीग्राम चैनल पर जाओ, वहां पर लिंक दिया हुआ है एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का, आई थिंक सभी का डाउनलोड हो गया है। ओके, यहाँ पर प्रियांशु पूछ भी रहे कैसे प्रिपरेशन है सबकी, गाइस सितंबर में दोगे अच्छे से? तो भाई सितंबर को भूल जाओ, अभी ये जो एग्जाम सामने है इसी को दो, है ना। वो तो वैकेंसी अभी एडवर्टाइज नहीं हुई है, होने वाली है, बट स्टिल अभी ध्यान रखो। मैम 16 को है दिल्ली में, बिल्कुल दिल्ली में ही होते हैं सेंटर आपके, दिल्ली एनसीआर में, यहाँ नोएडा में हो जाएगा, ठीक है, रोहतक रोड में बिल्कुल होगा, ठीक है। तो ये बहुत बहुत दूर है, हमने सेंटर्स को ध्यान से देख लेना। ओके, इनका भी 7 को है, अभी देखते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट चीज। 16th मार्च है और बट 16th मार्च में भाई की शादी है, कोई नहीं, भाई की शादी आप आकर एंजॉय कर सकते हो, आप अच्छे से पेपर देके आना अपना सुबह, ठीक है, सुबह या शाम को जैसे भी है, और रात को अपनी शादी एंजॉय करना। ओके नेक्स्ट, मैं मेरा डीएसएस ड्रेस कोड का, ड्रेस कोड के ऊपर कुछ लोग पूछ रहे हैं, इतनी दूर आएंगे तो शूज और फूड, भाई देखो शूज वैसे अलाउड नहीं होते हैं, और हाफ स्लीव्स की टी शर्ट्स या वो पहनकर आना, शर्ट आपकी बाजू कटवा देंगे वो अदरवाइज, है ना, थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टनेस होता है। लड़कियां जो है प्रॉपर हाफ स्लीव्स का सूट पहनकर जाए, या टी शर्ट या पजामा जो भी चल जाएगा, जीन्स भी चल जाएगी, बस स्लीपर्स होने चाहिए, है ना, शूज नहीं चलेंगे, ये चीज ध्यान रखना। तो ड्रेस कोड की उन्होंने सही बात कही है अमन ने, कि ड्रेस कोड इज वेरी स्ट्रिक्ट, डीएस इज भी वेरी स्ट्रिक्ट, वैसे सेंटर टू सेंटर डिपेंड करता है, नोएडा वाला सेंटर थोड़ा लीनियंट है, लेकिन स्टिल वो लोग भी आपको हाफ उसमें ही भेजेंगे,
है ना, हो सकता है आप छुप छुप के निकल जाएं, वो ऐसे बच्चे भी निकलते हैं, लेकिन क्योंकि वो ब्लूटूथ वगैरह का इशू होता है कि लोग ब्लूटूथ वगैरह लगा के लेके जाते हैं एग्जाम में, तो वो वाली चीज है। तो प्लीज हाफ स्लीव्स के कपड़े पहने, ओके, और पैरों में स्लीपर्स होने चाहिए, कोई भी ऑर्नामेंट गले में नहीं होना चाहिए, कोई ज्वेलरी या इयररिंग वगैरह ये सब वो मना कर देते हैं, इवन वो जो रबड़ बैंड्स होते हैं बालों में वो भी निकलवा देते हैं, ठीक है। हाफ होनी चाहिए, अपनी शर्ट को खराब मत कर देना, तो टी शर्ट पहनो अपनी हाफ बाजू वाली, ठीक है। भी लगना है वो टी ओ भी है तो आपको ये पूरा पासवर्ड में लिखना है। चलो ये लोग अपने आप ही क्वेरी सोल्व करें एक दूसरे की, दैट इज वेरी गुड, ठीक है। चलिए भाई, तो मुझे लगता है कमेंट सेक्शन अब पूरा हो चुका है, सबने एग्जाम डेट लिखी, वेरी गुड एंड ऑल द बेस्ट सभी को, है ना। कोई भी इंपॉर्टेंट और कोई क्वेरी हो एग्जाम से रिलेटेड तो बता देना, 6 तारीख को एक वीडियो डालूंगी एग्जाम को कैसे अटेम्प्ट करना है, शांति से उस वीडियो को देखना थोड़ा सा, है ना, कैसे अपनी स्ट्रेटेजी बनानी है, कौन सा पहला पार्ट आएगा तो कितना टाइम किस सेक्शन को देना है, इसकी वीडियो मैं आपको बना दूंगी, 6 तारीख को डालूंगी, ठीक है। 6 तारीख को देख लेना जिनका भी 7 का एग्जाम है। मैम मेरा दूसरा वाला किसी का नहीं आया, प्रिया दुबे, वो भी आने में टाइम है, 47/21, मैं इसके बहुत इंतजार कर रही थी। मेघा रानी, चलो मेघा रानी, अब आपको पता चल गया है आपके एग्जाम डेट, तो वेल एंड गुड है, तो अपनी तैयारी अब जारी रखें। तो ये थे इस वीडियो के कमेंट्स, बहुत सारे थे लेकिन ऑलमोस्ट सभी ने अपनी डेट बताई हुई थी, 47/21 का क्लियर हो गया, ड्रेस कोड का आपको क्लियर हो गया, ठीक है। आई होप कि अब किसी की क्वेरी नहीं रहती है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञान आई क्यू, कल सुबह आपको दूसरी वीडियो मिलेगी, आज थोड़ा टाइम नहीं लगा, रात को बनाऊंगी तब आपके लिए सुबह अपलोड करूंगी। थैंक यू।